वेलकम बैक LHTV इंडिया की एक नई वीडियो में। मौसम को लेकर अभी अभी एक ताजा खबर निकल कर आ रही है कि वेदर डिपार्टमेंट वार्निंग, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में अगले 3 दिनों तक तेज तूफान के साथ होगी भारी बारिश, ठंड के बीच बढ़ेंगी मुश्किलें। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों का कैसा रहेगा मौसम का हाल। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें उत्तर भारत में तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में अगले हफ्ते भर से 2-3 डिग्री तक की तापमान में कमी आ सकती है। इसके अलावा यूपी के चंदौली, चित्रकूट, वाराणसी समेत कई जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज तूफान के साथ भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वहीं ये भी बताया कि ठंड के बीच होने वाली ये बारिश लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। यूपी के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि भदोही, चंदौली, चित्रकूट, गाजीपुर में अगले 3 दिनों तक लगातार मूसलाधार देखने को मिलेगी। इसके अलावा वाराणसी में अगले 2-3 दिनों तक लगातार यहां भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इस हफ्ते में आजमगढ़, बलिया आदि जिलों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां भी पारा 6 डिग्री तक गिर सकता है। इसके अलावा सुबह और रात के समय कोहरा भी देखने को मिल सकता है। इसी बीच चक्रवाती तूफान को लेकर भी एक खबर आ रही है कि उधर चक्रवाती तूफान मिचाओं के कमजोर होकर दबाव में तब्दील होने के कारण ओडिशा के दक्षिणी इलाकों में आज मध्यम कहीं तेज बारिश हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि गजापति जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण जिले के सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा है कि चक्रवाती तूफान मिचाओं अब अगले 2-3 दिनों तक कई राज्यों में अपना कहर दिखाएगा। आपको बता दें बंगाली खाड़ी में उठे चक्रवाती मिचाओं का असर उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल लखनऊ में बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवा चल सकती है। सूबे के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में लगातार भारी बारिश होने की संभावना है। मिचाओं के तट से टकराने के बाद अगले कुछ घंटों में तय हो जाएगा कि इसका असर कितना और किस जिले में रहेगा। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार इस चक्रवाती तूफान का असर आज से कल तक दक्षिण पश्चिम में दिख सकता है। वहीं अगर बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से मध्य क्षोभ मंडल में अरब सागर से आ रही नमी के कारण आपको बता दें पिछले 2-3 दिनों से दौरान कुछ स्थानों पर हल्की कई मध्यम बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान आपको बता दें कि लखनऊ के मलियाबाद में सर्वाधिक 30 मिलीमीटर के साथ अमौसी बेसाला में 15.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वीडियो के आखिर में अगर बात करें कि प्रदेश के किन किन जिलों में कितना रहा तापमान, तो आपको बता दें प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाराणसी में 28 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़त दर्ज हुई और प्रदेश में न्यूनतम तापमान मुरादाबाद और निजामाबाद में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार लखनऊ और आसपास के जिलों में आज सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है और बादलों की आवाजाही भी लगातार जारी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कई जिलों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान अब 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही लेटेस्ट खबर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें।